opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crick Buzz's YouTube channel and press that bell icon now. एक और शख्स है जिन्होंने कुछ सवालों का जवाब दिया. हम 3D की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने सेकंड डायमेंशन दिखाया अपनी बल्लेबाजी का. और वैसे इंसान के दिल में, इंसान के पास दो दिल नहीं होते, लेकिन हमने दूसरा गिल देखा. शुभमन गिल 84 रन उन्होंने बनाए और स्ट्राइक रेट था अजय भाई का फेवरेट नंबर 183. सर, शुभमन गिल ने जो कर दिया उस पिछले मुकाबले में, चौंका दिया था शायद कुछ को. हमें लगा कि ये थोड़ा पूरा करेक्ट बैट्समैन है, टेस्ट ओपनर, लेकिन ये तो कुछ और ही था उनका वर्जन. नहीं, उस दिन उन्होंने दिखाया और सेंसिबिलिटी दिखाई. और वो जो 183 की है ना, वो कप्तान यहाँ पे एक बार कई बार बता चुके हैं स्ट्राइक रेट कैसे होता है. आप 9 बॉल पे 9 रन है और एक छक्का मार दें तो सीधा 150 की हो जाती है. वो उन्होंने उस पूरी इनिंग में करके दिखाया. आप देखेंगे ना तो पहले 4-5 ओवर जो पावर प्ले होता है उसमें नहीं ऐसा कोई मार धाड़ की और 180 का स्ट्राइक रेट. वहाँ पे उन्होंने और शंकर भी थे उनके साथ, होल्ड करके रखा. और बाद में जब यू नो जब लेफ्ट आर्म स्पिनर मिले ना उनको, यू नो अक्षर पटेल जो कि बाकियों को नहीं हिलने देते, उनको उन्होंने बड़ा तला उस दिन. तो आई थिंक एक पिक करना एक होता है, एक टाइम आता है. आई थिंक कॉन्फिडेंस का मेरे को जो सबसे बड़ा रूप नज़र आया, क्योंकि एक बल्लेबाज का जो कॉन्फिडेंस होना कि मैं कहीं पे भी कवर कर सकता हूँ स्कोर, तो आप उसको हबड़ा दबड़ी करते हुए नहीं देखते. वो उनके साथ उस दिन नजर आया, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट में तो ये भी था कि मैं बड़ी चीकी शॉटें खेल रहा हूँ, कुछ नया कर रहा हूँ. आई थिंक ये उनकी स्टेटमेंट भी है आपके लिए, पढ़िए. या बिल्कुल, एक खिलाड़ी के रूप में और अधिक शॉट सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. मतलब अपने आप को ये अपग्रेड करना चाहते हैं, नए नए शॉट्स सीख रहे हैं. पाजी, ये थिंकिंग क्रिकेटर की निशानी है ये? नहीं, ज़रूर. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप बगैर ये चिकी शॉट मारे भी रन बना सकते हैं, तब भी आप अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर सकते हैं. बट क्या है, आपको अपने बॉलर और राइट बॉल पिक करनी है बाउंड्री मारने के लिए, जिसको हम लोग क्रिकेटिंग लैंग्वेज में शॉट सिलेक्शन कहते हैं. शॉट सिलेक्शन बेहतर है तो आपकी सक्सेस बेहतर है. अगर आपका शॉट सिलेक्शन बेहतर नहीं है तो फिर आपके रन भी नहीं बनते. तो उस आपने कभी तेंदुलकर को देखा चिकी शॉट मारते हुए, या विराट कोहली को कभी देखा चिकी शॉट मारते हुए? तो जब, या गौतम गंभीर या वीरेंद्र सहवाग, ये चिकी शॉट बगैर मारे भी तो रन बना रहे हैं. तो वो उनकी क्लास है, वो रन बना सकते हैं. और 83 रन की पारी में उन्होंने कितने चिकी शॉट मारे? एक. और वो भी कब? 50 रन बनाने के बाद. तो जब आपको लगता है कि आपने चिकी शॉट खेलने, तो आपके पीछे कुछ बोले खेली होनी चाहिए, कुछ आपके रन बने होने चाहिए, तब आप चिकी शॉट बड़े आराम से मार सकते हैं, क्योंकि तब आप कॉन्फिडेंट हैं. अगर आप जाती मारने की कोशिश करेंगे, ना आपको बॉल दिखेगी, ना आप लाइन में होंगे, तो फिर आउट होने के चांसेस ज्यादा. तो मैं इन चिकी शॉट में विश्वास नहीं करता. आप रन बनाओ. हाँ, जिसकी बैटिंग चिकी शॉट की है वो वैसे बनाए, जिसकी नहीं है तो वो अपने बैटिंग तरीके से बनाए. दूसरे कहें कि यार नहीं, आप ऐसे खेल के बनाओ, आप वैसे खेल के बनाओ, वो मतलब मुझे भी 10 लोग एडवाइस देते थे, लेकिन सुनो अपनी. क्योंकि एंड में आप टीम में अंदर रहोगे या बाहर रहोगे, वो अपनी वजह से रहोगे, दूसरे की वजह से नहीं. कोई एहसान नहीं कर रहा है आपको वहाँ पर. आप अच्छे हो इसलिए वहाँ खेल रहे हो. जिस दिन आप खराब होगे उस दिन बाहर जाओगे.